बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर खरियत से होंगे। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार हक हमसाए सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो लोग तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, अल्लाह ताला उनके दुखों को, परेशानियों को दूर करे। और ख़ास तौर पर वो लोग जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद और नेक औलाद अता फरमाए। तो व्यूअर्स, 3 दिन ईद के तो बहुत बड़े दिन थे, सब ने इंजॉय किया, हमने भी ईद अच्छी तरह गुजारी। तो ईद हमारी घर पर गुजरी। जो बड़े लोग होते हैं वो तो सैर पे चले जाते हैं, और हम गरीब लोग अपने घर के काम में और अपने दोस्तों के साथ और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके आने जाने के साथ ईद मनाते हैं, गुजारते हैं। तो गोश्त को सब ने खाया, हमने भी खाया, खूब इंजॉय किया। जो हमारे पास आया था वो हमने उसको पकाया भी और अपने दोस्तों को भी खिलाया और ख़ुद भी। तो मीठा भी तैयार होता रहा, क्योंकि गोश्त होता है तो सोइयाँ और कुछ मीठा शीर खोरमा सब तैयार होता है, तो वो भी तैयार होता रहा, तो खूब इंजॉय किया। तो व्यूअर्स, हमारे तो 3रा दिन है ईद का। तो मैं आप सब को, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ 3 दिन की, 3रे दिन की ईद की मुबारक देता हूँ। और जिन जो मेरे गैर मुल्क के लोग हैं, दूसरे दूर के लोग हैं, तो उनको भी मैं मुबारक देता हूँ कि उनकी, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी ईद अच्छी गुजरी होगी, बेहतरीन गुजरी होगी। तो व्यूअर्स, आज हमने सोचा कि अपना कुछ काम करते हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा काम किया जाता है। तो बारिश नहीं हुई, बारिश का इंतज़ार करते करते थक गए। तो बेगम साहब, आप कुछ कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, बिल्कुल बेगम साहब अभी मसरूफ रहीं। इन्होंने मुझे 3 दिन प्यारे व्यूअर धूप में खड़ाया। धूप में खड़ा किया, धूप में, इसलिए व्यूअर्स के जो भी गोश्त आता था उसको पकाना तो पड़ता है। तो हम सरेकी में उसको सुलकाना कहते हैं, यानी उसको उबाल कर और उसको हाफ बॉयल करके रख दिया जाता है, तो वो गोश्त ख़राब नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ देहात में, जो जनूबी पंजाब है, इसमें इंतहाई शदीद गर्मी होती है, और गर्मी में गोश्त ख़राब हो जाता है। तो जो कुछ भी हमारे पास आया वो हमने ऐसे किया कि उसको हाफ बॉयल करके रख दिया। तो फिर बेगम साहबा तो मसरूफ़ रहीं, ने सोचा कि चलो पौधे कोई सफ़ा करते हैं, साफ़ उनको, क्योंकि पहले भी हमने किए थे तो ये आंधी में गिर जाते हैं। और एक पौधा वो हमारा आंधी में गिर गया था, उसको हमने सीधा किया है। तो इनकी हिफाज़त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हिफाज़त करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर रेत ज़मीन है। जहाँ हम बैठे हुए हैं, आम ज़मीन से तकरीबन 8 फुट ऊँचे ऊपर बैठे हुए हैं, 8 फुट, यानी 8 फुट तकरीबन जो नीचे वाली ज़मीन है वो नीचे है। तो रेत ज़मीन पर पौधे हो तो जाते हैं, लेकिन इनके गिरने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो मेरे 2-3 व्यूअर्स ने मुझे बताया कि आप फलां फलां पौधा लगाएं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो रेत ज़मीन है, इस पर सिर्फ 3-4 पौधे होते हैं, कीकर के, शीशम के, बकायन और नीम के पौधे होते हैं। तो ये पौधे हो जाते हैं, और जामन का भी हो जाता है, जामन। बाकी ये पौधे फ़ायदेमंद हैं, बाकी तो कोई पौधा ऐसा नहीं है जो यहाँ होता हो। तो हमने सोचा कि इनको थोड़ा थोड़ा साफ़ करें मज़ीद, क्योंकि इसके बाद फिर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, सर्दियों में ये इनकी छंगाई नहीं होती। तो बस ये आखिरी सिस्टम है इनका छंगाई का, इसके बाद ख़त्म ज़मीन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गंदम ही होती है, बाकी तो कोई फसल होती नहीं है, लाइट नहीं है, पानी का सिस्टम नहीं है।
तो सिर्फ गंदम के लिए ये जमीन तैयार की जाती है, चलो भाई इसको थोड़ा थोड़ा तैयार करते हैं। वो भी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है बस, जैसे पानी लगा 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 कर हम थक जाते हैं। अल्लाह की रहमत ये है कि घर के लिए जो गंदम होती है वो तैयार हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा देहात में होता है कि घर के लिए गंदम तैयार करना बहुत मुश्किल तो होता है लेकिन हो जाता है। तो व्यूअर्स आज कुछ और बनाते हैं, क्योंकि गोश्त 3 दिन से खा रही हैं तो अब वो मसला नहीं है। पहले हमने बोटियों को नोश किया, फिर हड्डियों को नोश किया, फिर उसमें कलेजा और फिर उसकी जो ओझड़ी थी वो आ गई। तो ये सिस्टम चलता रहा, अब मसला वो नहीं है, अब खाने को कुछ दिल नहीं करता। मैंने बेगम साहब को कहा है कि चलो कोई सब्ज़ी पका लें, वो बेहतर है। तो देखें ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा वज़न ज़्यादा हो तो फिर ये टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो इसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको बेचेंगे तो इसका जो इसका है ना सिस्टम, इसके तने का, तो इसके तने के पैसे मिलते हैं। ये नहीं है कि जो ऊपर माल है इसके पैसे देते हैं, नहीं। अगर इसका तना सीधा होगा, जैसे ये मैंने पौधा बनाया है, देखें इसका तकरीबन 10 फुट का तना है, तो इस तने के पैसे मिलते हैं। बेगम साहबा वो खाना पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए चली गई हैं। मैंने तो उसे चाय का कहा है लेकिन वो कह रही थी कि नहीं कुछ ना कुछ पकाते हैं, तो वो चली गई हैं। तो एक व्यूअर्स ने, मेरे बेटे ने, बेटा था या मेरे ख्याल में मेरी बेटी थी, तो उसने कहा कि अंकल आप जो घर के बाहर हैं वो दरख्त हमें दिखाओ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको दरख्त दिखाने की, तो ये दिखाएं दरख्त ये भी, और ये जो साथ दूसरों मेरे हमसाए का बाग है वो भी दिखाएं, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यार्स मैं एक बात आपको बताना चाहता था जो मुझे बहुत बुरी लगी है, बहुत ही बुरी लगी है। तो हमारे जो पेशावर के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती उनके हाँ जहन में थोड़ा अक्ल कम है या क्या है। तो वो कुर्बानी कर रहे थे, उन्होंने भैंस, एक बहुत बड़ा भैंसा था, उसको गिराना था, यानी कि गिरा कर फिर उसको हलाल करना था। भाई आप अगर आपके पास 5 बंदे हैं तो आप 10 बंदे ले आते तो फिर उसको गिरा देते। तो उन्होंने क्या किया, जब वो गिरा नहीं, वो दौड़ने लगा तो उसको उस पे फायर खोल दिया, उस पे गोलियां लगा मार रहे हैं। यार ये तो गलत बात है, मुझे बहुत बुरा लगा। यार वो बेज़बान जानवर हैं, उनके वहाँ ज़बान नहीं, अगर ज़बान होती तो वो आपको बताते ना कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे कम अज़ कम ये बात बहुत बुरी लगी, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने एक्शन लिया, पता नहीं क्या लिया क्या नहीं मुझे नहीं पता, बहरहाल एक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कम अज़ कम कुर्बानी पे। तो कुर्बानी पे हम एक अपनी पसंद की चीज़ को जुदा कर रहे होते हैं। अगर हमें उससे प्यार नहीं है तो यार दुश्मन तो ना करें। तो व्यूअर्स ये मैं आपको बात बताना चाहता था। आपकी जो कमेंट्स हैं उसका इंतज़ार करूँगा कि आप कमेंट्स में मुझे क्या बताते हैं। तो मुझे बताया करें कि अंकल आप ये वीडियो बनाएं, यहाँ जाएं। तो मेरे बहुत से व्यूअर्स ने कहा है कि आप बाहर जाकर वीडियो बनाएं नहर के किनारे, तो वो मेरे जहन में है। अभी मेरा जो चैनल है वो अभी ये देख लें कि अभी पीछे है, तो थोड़ा सा आगे हो जाए तो सब कुछ दिखाऊंगा आपको, क्यों परेशान होते हैं, आपको सैर भी कराऊंगा हर चीज़ की। तो आज की वीडियो व्यूअर्स यहाँ तक, वीडियो के आखिर में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब को बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए ईद के मौके पर, और ईद के बाद भी अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए। तो आप खुश हैं तो हम खुश हैं, तो इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।